कोई साइड आ जाए ना मेरा बेयर पिंपल हो रहा है दिखेगा बिया तू उसे तरफ ठीक है क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल ना ना बिया यार आ जा तू बिया नहीं तो मैं कौन है हूं देखियो मैंने इतना अच्छा सिंहासन बना रखा है अपना फिर मैं न्यू बैठूंगा तो चल कोई नहीं यार तो करते हैं शुरू सो टुडे इज अ वंडरफुल शो आज आपके लिए लेके आया हम एक स्पेशल गेस्ट मेरी पहली चीज तो आई एम नॉट अ स्पेशल गेस्ट को इसलिए क्योंकि एक बार आके ये भी नहीं पूछा है चाय पानी कुछ तो तो बताइए अपने घर में क्या चाय पानी पूछनी जस्ट किडिंग हां बताओ तो आज हम ऋतु से पूछने वाले हैं बहुत ही स्पेशल सवाल अलग अलग तरीके के सवाल तू बहुत ऊंची बैठी लगे मैं बहुत नीचा बैठा लगू तू तू बहुत ऊंची लगे सही मैं और सिंहासन पर बैठ गौरव बोलिया कि तू मेरे आयराम के शूट खाते तो आंधी तो फिर तू के हाथ तो दो मिनट में बाजी तो बहन बट गई है हम दोनों के बीच में दोनों मांगते हैं शूटिंग टाइम और बहन के पास नहीं है अपने आप को शूट करने का भी टाइम क्योंकि उधर से इतनी इम्पोर्टेंट सॉरी तो आजकल डिमांड में है एक बार डिमांड हो जाए फिर इनकी रिमांड लेते हैं ठीक है चल बचपन से टेल पीपल अबाउट तेरा और मेरा रिलेशनशिप यार एक्चुअली बात है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि व्हाट इट इज गोइंग टू बी अबाउट बचपन से तेरा मेरा रिलेशनशिप मेरे और पीतू में 3 साल का डिफरेंस है तो मैं इससे बड़ी थी बट एट द सेम टाइम तो मुझे लगता था हमेशा से बचपन से कि मम्मी ना पीतू को ज्यादा प्यार करती है क्योंकि ये अकेला बेटा है तो आई यूज्ड टू बी काइंड ऑफ लिटिल जेलस कि उसने वो खिलौना लिया तो मैं भी ये लूंगी हर चीज में बट एट द सेम टाइम मैं इसके बारे में कंसर्न भी बहुत रहती थी ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा इसको लेके आ रही हूँ साइकिल पे स्कूल से तो वो सब बहुत मिक्स एंड मैच रहता है बचपन मतलब जिसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ भी करते हो आप खूब मजे भी करते हो केयर भी करते हो बट एज आई ग्रू अप आई रियलाइज कि पीतू मेरी जोड़ी ऐसी हो गई है कि इट्स लाइक कि ही वाज माय लाइफ एंड आई वाज हिज लाइफ दर्द हुआ फिर मार देती ये जितनी सॉफ्ट लगती है ना मैं पहले तो यही मैं चैटर कर दूं झूठ है झूठ है हाँ लेकिन आई वाज वेरी टॉम बॉय भगवान ने इसको पिंपल्स ठीक करे इसको पता चले कितनी रूड रही है लाइफ में ये एक एक पिंपल और एक एक थप्पड़ की बदले में दिया मेरी मैं इसको पढ़ाती थी तो जब ये पढ़ता नहीं था ना इसके नंबर कमाते तो मैं फटाक फटाक खूब पीती इसको मेरा खौफ था हाँ तो खौफ ये शुरू से ही ऋतु दादा के नाम से जानी जाती थी स्कूल में भी ये लड़कों को पेलती थी इसका एक दोस्त होता था अश्विनी ये उसको और लड़कों से बचा के लाती थी और ये भी तो कहती थी तू चल बे हटेले ये कहती थी भाई हम भी यार अपना मिडिल क्लास घर में पले बड़े हैं यार सेम वही गलियों में खेलना बनियान में घूमते रहना गलियों में और खेलते रहना नंगे पांव भाग के एक गली से दूसरी गली वो सेम वही बचपन है यार मे बी यू गाइस कैन कनेक्ट सब चलो दिस वाज अबाउट आवर रिलेशनशिप मैं अब अपने व्यू से बताता हूँ व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद रितु बचपन से वी बीन बेस्ट फ्रेंड्स मैं रितु को लुक अप टू करता था एज माय टीचर मेंटोर गाइड क्योंकि ये कभी भी ना बायस नहीं रहती फैमिली में भी बहुत सारे बायसेस हो जाते हैं अगर ये मुझे मारती भी थी पढ़ाई के लिए तो फिर बाद में मैं उस पर बुरा नहीं मानता था उस टाइम भले ही इसको उल्टा मार दूं गुस्सा हो जाऊं लड़ लूं बट दिल से ये था कि हाँ ये जेन्युइन केयर करती है एंड शी वाज दैट मदर टू मी बचपन से इसने मुझे माँ की तरह पाला मम्मी ने भी यही बोला था थैंकफुली कि जिस दिन मैं नहीं होंगी ना सो यू कैन लुक अप टू रितु एज योर मदर ये कभी तरह गलत नहीं चाहेगी सो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट रितु टुक ग्रेट केयर ऑफ मी एक लड़की जितना कर सकती है उससे तो उसने बहुत ही ज्यादा किया सो आई रियली फील कि शी मीन्स द वर्ल्ड टू मी जान आई लव यू अभी भी रोने लग गई नहीं मैं रो नहीं रहा बट हाँ So that's life for me, that's Ritu for me. Now let's go to the fun part. और हरियाणवी में पूछेंगे हम ऋतु से कुछ अच्छे सवाल तो ऋतु व्हाट इज योर फेवरेट मूवी तेरी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है अच्छा मुझे ऋतु का ना मूवीज देखना बहुत पसंद था हमने इतनी पिक्चरें देखी सारी पिक्चर साथ में देखी और तो हम प्रिंस वो भी मेकअप रहेगी वो भी देख के हम इतने खुश बढ़िया मूवी इतनी बढ़िया हम लोग है ना मूवी देखते ही नहीं थे अगर एक दूसरे के साथ नहीं देखे हाँ हम जाएंगे साथ में हाँ। और इतना पीतू था और इतनी मैं थी दोनों मतलब और हम सोचते थे बहुत बड़े हैं हर साल हमें लगता था हाँ भैया अब तो आप बड़े हो गए हैं तो इवन दो वी वर इन 6th 7th वी यूज्ड टू थिंक हम बड़े हो गए हैं
Which was your favorite movie that you watched with me? Which was my favorite movie? मैंने realize किया अपनी life में आज तक जितनी भी English movies देखी हैं वो मैंने सिर्फ और सिर्फ पीतू के साथ देखी हैं. मैंने उसके बाद movies देखना ही बंद कर दिया. English movies तो देखना बिल्कुल बंद कर दिया. क्योंकि इसकी English बहुत पादू रही थी पहले. तो ये मुझे बहुत सारी English movies दिखाता था. The Heist भी देखी थी हम लोगों ने. इसका बड़ी मेरे को नाम याद नहीं होंगे यार. नाम याद नहीं. बट मेरे को बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखी. असल में इसको डायलॉग भी याद नहीं होते, समझ नहीं आते थे तो बट देख लेते थे हम लोग. मेरे को आ जाते थे सारे. ये एयर प्योरीफायर को एक दिन बोलती है मेरे घर में एयर पोल्यूटर लगवा दे. बकवास हमारा. नहीं नहीं तूने बोला था बकवास हमारा. और सब तो मैं इसने मेरे को सुना एक दिन कहते हुए कि आई एम स्केप्टिकल अबाउट दिस. इसके घर में काम चल रहा है और इसने आके मुझे बोला भी तो आई थिंक आई एम ना लिटिल स्पेक्टिकल अबाउट दिस. मैं कहता स्पेक्टिकल बट स्पेक्टिकल तो चश्मा होता है. बात है पीतू की इंग्लिश बहुत अच्छी थी. इसकी वोकैब वगैरह भी बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छे वर्ड्स ये यूज करता है. आई यूज्ड टू ट्राई कि यू नो आई विल पिक सम गुड वर्ड्स फ्रॉम हिम. इसीलिए तो आपको कह रहा था कि कैम्बली आप यूज किया करो. तो कैम्बली एक बहुत अच्छी ऐप है वन ऑन वन जिस पे आप वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज के ट्यूटर से बात कर सकते हो. हाय हाउ आर यू. व्हाट्स योर नेम. माय नेम इज जेहा. सो आई एम इंटरव्यूइंग माय सिस्टर हियर राइट नाउ. सो वुड यू माइंड सेइंग हाय टू हर. Okay, Gemma, thank you. Thanks a lot. Link in the description mein bhi diya hai. You'll get a 30% discount. Hamara yahi version hai ya to bilkul haryanvi. Ya ho jata hai. Matlab hamara nahi iska. Ya to ho jata hai ekdam bilkul sophisticated business class mein baithte apna kaam karte. Ye. Let's start some rapid fire. Ab Ritu batayegi what is your favorite sabzi? Sabzi? Yeah. I like loki also. Aap puchho ki first girlfriend kaun si class mein bani thi? Mere se. Main bata dunga na. Puchna kya aap se? मैं बता देती हूँ उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड कौन से क्लास में बनी थी. नाइन्थ में हाँ जब. और वो तब मैं बताती हूँ एट्थ में मैं यहाँ थी लेकिन इसने मुझे बताया नहीं. हाँ, जबकि मैं इतना कूल और ओपन ब्रो था इसका. हाँ. कि बिया और आई यूज टू मेक श्योर कि आई टेल हिम कि बिया कुछ मतलब कभी कुछ मतलब यू नो मैं आई यूज टू टेल हिम कि बिया लड़की गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है ये काम नहीं करने है ये काम नहीं करने. लेकिन इसने बना रखी थी और मुझे पता नहीं चला. मुझे पता कब चला जब मैं यूएस से आया. हाँ, जब ये 11th में हो गया. बात ये होती है जब आपके बड़े बहन भाई या मम्मी बोलती है ना मैं आपकी फ्रेंड हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए वो आपके कितने अच्छे फ्रेंड है. तो मैं भी समझ गया था तो इसलिए नहीं बताया. आप बताओ मेरा फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड कौन सा है. ज़ारा. राइट वेरी राइट. मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है. इंग्लिश तो मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि इतने सारी इंग्लिश मूवी देख रखी है. हिंदी तेरी एक तो ये रब ने बना दी जो तू बेको था. यार मन यार. अब एक क्वेश्चन रखा जाएगा जिसका जवाब हम दोनों देंगे. ये सही देगी तो इसका एक पॉइंट मैं सही दूंगा. तेरे की फेवरेट मूवी तो बता दे. रब ने बना दी जोड़ी अच्छी थी. बाकी मेरी फेवरेट मूवी अभी रिसेंटली मैंने देखी थी नाम मैं भूल गया. अभी देखी थी मैंने. फेवरेट मेरी नाम भूल गया मैं. कौन सी किसकी इसकी यार. अभी रिसेंटली मुझे दे प्यार दे अच्छी लगी थी. अभी अजय देवगन वाली तो देखा है. इतनी बढ़िया पिक्चर है एक नंबर. फेवरेट सिंगर तेरा. सिंगर जाने पर सिंगर के नाम में नहीं गिरा. ये विपिन ने क्वेश्चन फ्रेम करे. ये विपिन ने क्या किया था क्वेश्चन गलत. तेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स और फिजिक्स. मैं बताऊं तेरा कौन सा था. हाँ पहले बता सही है कि नहीं. फिजिक्स तो कति गलत है. मेरा फिजिक्स कति फेवरेट नहीं था. फिर क्या था. मैथ्स. तेरा 11 12th का तो मैं नहीं बताऊंगा. मैं उससे पहले बताऊं तेरा फेवरेट था साइंस. साइंस और मैथ्स. मैंने भी मैथ्स और साइंस पसंद था. उसके पहले अमन ने आज हमने किया. हम जी से पढ़ रहे हैं. हमने खुद याद नहीं. हम तो 8th में जब गर्लफ्रेंड बना ली तो हमने हो गए थे बदला कर ले बस गर्लफ्रेंड का गाड़ी दिवा कर फौरन चले जाओ. तो पीतू बहुत इंटेलिजेंट था. मतलब ही वाज वेरी शार्प इंटेलिजेंट बहुत था ये. लेकिन मैं पढ़ता नहीं था. मतलब योर ब्रदर ही इज क्वाइट केपेबल. ही इज वेरी शार्प बट ही इज नॉट स्टडिंग एंड ही इज नॉट लुकिंग आफ्टर लुकिंग फॉर हिज फ्यूचर. तो फिर वो गुस्सा होता था इस बात में. मेरे को इससे मारती थी मैं इसको. अब हम एक दूसरे का फेवरेट कलर बताएंगे. ये विपिन ना कहती लैंडी क्वेश्चन ना तो मेरा ना मन है भाई. यू किस ने मेरा अगर किस भाई बहन ने एक दूसरे के फेवरेट कलर मेरा होंगे यार. हमने के मेरा किस भाई बहन ने. ये तो आदमी औरत ने नहीं पता. मैं हमने के मेरा बात याद आई.
सारे हमारे ग्रुप में इसको मोटा भाई कह के बुलाते थे क्योंकि मेरा दबदबा था, आज का दबदबा असली में था। सारे सर्कल के दोस्त लड़के लड़की सब मोटा डरते भाई थे, थोड़ा डरते थे और मैं ऐसे ए हटेले और मैं आई यूज्ड टू फील दैट कि आई एम द गुंडा, आई एम द बॉस, यू नो आई यूज्ड टू वॉक लाइक। फेवरेट पेट आप मेरा बताओ, मैं आपका बताऊंगा, ये कॉमन आंसर है ना, डॉग, डॉग्स, वी लव डॉग्स। जरा मैं तो ब्रीड भी बता दूंगा हम दोनों की, पग, हमें ब्लैक पग चाहिए दोनों को। इसकी पीतू की बहुत प्यारी थी, वो ये थी कि जब ये छोटा था ना, ही यूज्ड टू मेक दोस कार्ड्स नॉर्मल पेपर पे ही ना, ये अपने ऐसे कुछ लिख देगा उस पे ऐसे नकली ड्राइंग बनाएगा, छोटी सी गंदी ड्राइंग और गंदी राइटिंग। तो जैसे सीवर, मैं एक बार सीवर में गई थी बचपन में, बारिश इतनी हो रही थी, सीवर खुले रहते थे गलियों के, तो खेलते खेलते सीवर में गिर गए। मुझे ऋतु का सबसे अच्छा गिफ्ट वो लगा था जब इसको सारे लोग, क्या होते हैं ना, कोई रिश्तेदार आया कुछ आया तो पैसे दे जाते हैं कभी कभी, ये तो इसकी एक आदत थी कि उसको पैसे को खर्चती नहीं थी कभी भी और अपनी बुक्स में रख लेती थी। एक बर्थडे पैसे हुआ था मेरे पास, पापा ने पैसे नहीं दिए थे तो इसने वो सारे पैसे इकट्ठे करके मेरे को दिए कि तू शॉपिंग कर ला, ये पैसे मैंने इसीलिए तो रखे हुए थे एक जगह, ये किसी दिन बेस्ट यूज़ में आएंगे, आज ये तेरे बेस्ट यूज़ में आएंगे, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है छोटे। तो नाउ कमिंग टू अ वेरी क्विक सेशन, पिक वन, इन दो चीज़ों में से एक चूज करना आपने क्विक क्विक, माउंटेन और बीचेस। माउंटेन। माउंटेन। इंस्टाग्राम और यूट्यूब। यूट्यूब। चाय और कॉफी। चाय ऑफ कोर्स, आई एम नॉट अ कॉफी पर्सन एट ऑल। SUV या सेडान? None. I don't like cars. I like रिक्शा। रिक्शा। Apple या Android? Android. Movie या books? Movie. हवाई चप्पल या फ्लिप फ्लॉप्स? हवाई चप्पल। दोनों सेम। देखा मैंने इसकी इंग्लिश पकड़ ली। मम्मी वो नहीं बनाती थी कि वो ऐसे चिपक जाते थे फिर ऐसे करके खुल जाते थे, मेरे को लगा फ्लिप फ्लॉप वो है। फ्लिप फ्लॉप खुद को कुछ भी लगता रहे। मैं या और कोई बहन भाई, बबूज या फेवरेट? मैं किसकी ज्यादा केयर करती हूँ? पीतू। बट मेरे को पसंद कौन है वो सबकी नहीं, मेरे को सबकी अलग अलग पार्ट है। पिज्जा या पास्ता? पिज्जा। स्वीट या स्पाइसी? स्वीट। जिम या योगा? योगा। आइसक्रीम या कुल्फी? कुल्फी। टीवी या नेटफ्लिक्स? टीवी। ऑलराइट गाइस, दैट वाज अबाउट टुडे, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, आई होप यू एंजॉयड। हाँ, सब्सक्राइब टू हिज चैनल, थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग यार, ही इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा प्लीज, थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड ब्ला 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 ब्ला, यस ब्ला 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 ब्ला। तो तू अभी भी मेरे से लंबी लग रही है यार, तू पता नहीं कैसे बैठी पूरे वीडियो में, तू तेरी कोम कट रही है। हाय गाइस, फैमिली को जरूर डाउनलोड करें, सबसे आसान ऐप है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है। जनरली जब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो हम लोग अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं शीशे के सामने खड़े होके, बट इन दिस ऐप यू कैन टॉक टू अ लाइव पर्सन हु विल हेल्प यू इम्प्रूव योर लैंग्वेज पर्सनली, तो वो आपको गाइड भी करते रहते हैं, तो वो बहुत ही इफेक्टिव वे है लर्न करने का एक लैंग्वेज को। मैंने काफ़ी ऐप्स यूज़ करी हुई हैं बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स अवेलेबल टुडे। चाहे आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो या फॉरेन में बिजनेस करना हो या आपने अपने पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट करना हो, and I don't suggest or market any product that is not personally tested by me. Chalo, thank you guys, bye bye.